देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल। प्रवासी मजदूरों का पवित्र त्योहार छठ पूजा जो कि 13 ते 14 नवंबर नु मनाया जा रहा है। इस संबंधी छठ पूजा कमेटी कृष्णा कलोनी बुराया वालों अपने इस त्योहार नु लेके उन्हां वालों तैयारियां कीतियां जा रही हैं। इस मौके बहुजन समाज पार्टी के गुराया सिटी के प्रधान अशोक रतू ने कहा कि पंजाब सरकार वालों नहरां पक्कियां कर दित्तियां गईयां हन, लेकिन उस विच गंदगी दे ढेर लगे हुए ने ते नहर च पानी नहीं है। उन्हां कहा कि यह त्योहार पानी विच मनाया जांदा है ते पूजा कीती जांदी है। उन्हां पंजाब सरकार ते नहरी विभाग तो मंग करदे हुए कहा कि नहर की सफाई कराई जावे ते उस विच 11 नवंबर तक पानी भर दिता जावे ता कि ओह अपना त्योहार मना सकन। अज ग्रां विच असीं प्रवासी मजदूरां दे पवित्र त्योहार छठ पूजा लई इकट्ठे होए हां। असी प्रशासन तो पंजाब सरकार तो नहरी विभाग तो मंग करते हैं कि 13-14 जिहड़ा पवित्र त्यौहार छठ पूजा का मनाया जाना वो संबंध में 13-14 नहर में पानी छड़ा जाए तो नहरों की सफाई कराई जाए। ये असी पंजाब सरकार तो नहरी विभाग तो मंग करते हैं। ये जिहड़ियां नहरां पंजाब सरकार ने पक्कियां कीतियां बहुत ही गंद लोगों ने सुट्टिया होया है तो ना ही एक ये पानी सुक्कियां पईयां है। ये जिहड़ा पवित्र त्यौहार छठ पूजा दा पानी विच खड़के मनाया जांदा है असीं पंजाब सरकार तो मंग करदे हां कि इहदे विच पानी छड्डिया जावे तां कि अपना पवित्र त्यौहार श्रद्धा पूर्वक मनाया जा सके। इस मौके अशोक रतू, लेखराज, सोनू हीर, योगेश कुमार प्रधान, हैप्पी कुमार, मुकेश कुमार, विजय कुमार, परविंदर सिंह हाजिर सन। साडा यह मांग है पंजाब सरकार तो साडी पर्व है छठ पूजा 12 तारीख नूं पानी छड्डिया जावे, 11 नूं 13 तारीख नूं साडी परम मनाया जांदा है। नहर दे विच बहुत गंदगी आ, पंजाब सरकार तो साडी इह गुजारिश आ कि साफ सफाई करा के ते पानी छड्डो। गुराया तो मनीष कौशल दी रिपोर्ट। तुसीं देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल।